हेलो टीचर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं अमित टमटा स्वागत करता हूं। आज मेरे पीछे जो बैकग्राउंड में देख रहे हैं, बेंचमार्क का मैक्स प्रो है। मैक्स प्रो के बारे में बात करने वाला हूं। इसकी कुछ खास बातें हैं जो टीचर्स के लिए बहुत यूजफुल होने वाली हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं वीडियो में तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपके लिए बहुत सारी काम की चीज़ें हैं, जैसे फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बहुत सारे टूल्स हैं इसमें, वो मैं बताने वाला हूँ। सबसे बेस्ट बात पैनल की क्या है, एक टीचर्स को चाहिए राइटिंग। इसकी जो राइटिंग क्वालिटी है बिल्कुल स्मूथ है, जिसमें कि आपको रियल टाइम ऐसा लगेगा कि कहीं मार्कर से किसी व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे हैं, या फिर ऐसा लगेगा किसी कागज पे, किसी बुक्स पे पेन से लिख रहे हैं। यानी कि रियल टाइम एक्सपीरियंस जो होता है उस तरीके से आपको एक्सपीरियंस होगा। दूसरी बात इसकी बताऊं मैं, जैसे कि इसमें हम लोग एक फीचर्स है, इसको मैं एनेबल कर लेता हूँ, अभी डिसेबल है, फिर से कर लेता हूँ एनेबल। राइट, अगर मैं अभी लिख रहा हूं, ये देखिए डुअल कलर, अगर मैं कोई सर्कल बना रहा हूं, ये क्योंकि एक सॉफ्टवेयर में कुछ रीडिंग्स है उसको रीड करता है, इससे टीचर्स को फायदा ये होता है, डुअल कलर उनको चाहिए होता है, तो ये एक बेस्ट पार्ट है। सेकंड मैं बात करूं, इसमें यूनिवर्सल बैकग्राउंड है, आप अलग अलग बैकग्राउंड तो ले सकते हैं, साथ में यूनिवर्सल बैकग्राउंड है, इसकी ज्यादा बात नहीं करेंगे, ये तो सब में ही होता है। अब मैं बात करता हूं इसमें स्मार्ट शेप डिटेक्शन। अगर कोई सर्कल आप ड्रॉ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक रिकॉग्नाइज होता है, देख सकते हैं आप। अगर मैं यही चीज अगर फिंगर से करूं, ये दूसरा कलर ले लेता है। राइट, तो ये काफी अच्छी चीज है टीचर्स के लिए। ये देखिए नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, इसमें और जो खास बातें हैं, सिंबल्स बहुत सारे हैं। हैंड राइटिंग एग्जाम्पल, मैं लिखता हूं हेलो, ये भी आपका टेक्स्ट में रिकॉग्नाइज होता है। राइट, इसको आप मूव कर सकते हैं इधर उधर, जूम आउट जूम इन कर सकते हैं, ये भी बेस्ट पार्ट है। दूसरी बात करूं, मल्टीपल यूजर्स का आप सपोर्ट करता है, 2 यूजर 3 यूजर 4 यूजर। एग्जाम्पल के लिए 3 यूजर करता हूं मैं, यहां पर कलर भी अलग अलग सेलेक्ट कर सकता हूं, सेम टाइम में डिफरेंट कलर से हम लोग लिख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए इसमें अलग कलर है, ये देख सकते हैं आप, तो यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कलर से हम लोग यहां पर राइटिंग कर सकते हैं। इससे बैक आ जाते हैं। अब इसकी एक और बेस्ट बात बता दूं, जो नोट 3 में आपको ब्रश पेन मिलते थे, फाउंटेन पेन मिलते थे, वो अब एंड्रॉइड में ही आ गया मैक्स प्रो में। दिखाऊं, यहां पे क्लिक करते ही आपके पास अलग अलग पेन आते हैं। ये तो नॉर्मल पेन है, इससे जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं वो राइटिंग होगा। दूसरा पेन है ये थिक पेन है। तीसरा है फाउंटेन पेन, जिससे हम कर्सिव राइटिंग बनाते हैं, ज्यादातर मैं यही करता हूं, मुझे बहुत पसंद है ये वाला पेन। चौथा है ब्रश पेन, जैसे कोई पेंटिंग वगैरह करते हैं उसके लिए ब्रश पेन है ये। राइट, तो ये पेन के टूल हैं। इसमें पेन में क्लिक करती इजी टूल ये है कि बेस्ट पार्ट ये है कि यहीं से कलर, यहीं से थिकनेस, बहुत सारी चीजें यहीं से कर सकते हैं, सो दैट कि टीचर्स को समझने में आसानी रहे। ये बहुत बेस्ट पार्ट है, पेन में क्लिक करती है आपको अलग अलग जगह नहीं जाना, एक ही जगह सारी चीजें मिल जाती हैं। अब तीसरी बात यह है कि जैसे हम कोई लिख रहा हूं मैं टॉपिक, तो हैंड सीरीज में सपोर्ट करता है फुली, ऐसा नहीं कि हाथ लगा रहा इरेजर बाद में आ रहा है, जैसे ही लगाओगे बिल्कुल फास्ट एक्टिव हो जाता है, ये बेस्ट पार्ट है। अब मैं इसमें बात करता हूं, हम क्या पीडीएफ इंपोर्ट कर सकते हैं इसमें? बिल्कुल जी, जरूर कर सकते हैं पीडीएफ इंपोर्ट। मोर में क्लिक करते हैं, इंसर्ट पर जाते हैं और कोई फाइल देखते हैं, पीडीएफ किस में है, डाउनलोड्स में हमारी पीडीएफ्स हैं कुछ, चलिए लेट्स सी। ये देखिए पीडीएफ जैसे इंपोर्ट करोगे यहाँ पे आपको पेजेस बनने शुरू हो जाते हैं। इसमें क्या है कि हम जितने भी पेजेस पे, ये देखिए ये है पीडीएफ। अब इसको हम जूम इन जूम आउट दोनों कर सकते हैं, ये देखिए, और यहाँ पे राइटिंग भी कर सकते हैं आप, चीज़ों को बता सकते हैं, और जितने भी पीडीएफ, जो भी पीडीएफ आपने इंपोर्ट कर रखी है, इसको आप इस फॉर्मेट में, जो नोट सॉफ्टवेयर है इसके अलावा, और दोबारा से पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। जो भी हमने पीडीएफ फाइल में लिखा हुआ है, जितने भी पेजेस में हमने वर्क किया है, इसको आप सेव करके आप अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो। जैसे एग्जांपल मैं सेव करूं, मैं इसको सेव कर लेता हूं, आप इस पे आप पीडीएफ पे सेव कर सकते हो, और इसको आप नाम भी डाल सकते हो, मैं बाय डिफॉल्ट डेट ही डालने लेता हूं। इसको आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो, आप जिसके माध्यम से मेल करना चाहो मेल कर सकते हो। तो अभी हम देखते हैं, जैसे कि
कोई भी आप पीडीएफ वगैरह इंसर्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन मार्क लगाना हो, इमोजीज देना हो, तो बच्चों को काफ़ी इंटरेक्टिव लगता है, उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें कुछ टूल्स हैं, स्मार्ट टूल, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, मुझे क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ये क्वेश्चन राइट है, राइट दे सकते हैं, अगर ये रॉन्ग है इसको रॉन्ग भी दे सकते हैं, ये ऑटोमेटिक रिकॉग्नाइज करता है। अगर किसी बच्चों को इमोजी देना है स्माइली इसका, तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये देखिए, ये अलग अलग फीचर्स हैं, इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। ये देखिए, ये काफ़ी सारी चीज़ों को अपने आप डिटेक्ट करता है। अभी हमको चाहिए, मान लो कुछ गूगल से कुछ डेटा चाहिए या फिर कुछ इमेजेस चाहिए, वो हम व्हाइट बोर्ड पे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बार बार इमेज को सेव करो फिर इंसर्ट फाइल में जाओ, वैसे नहीं, अब आप डायरेक्टली ला सकते हो। इसमें मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे मैं जाता हूँ गूगल क्रोम पे, तो यहाँ पे कुछ इमेजेस हम लोग सर्च करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप फोटोसिंथेसिस के बारे में बता रहे हो, ये मैंने एक सर्च करके रखा था सो दैट कि टाइम आपका कम यूज हो। अभी मैं इसको कैप्चर करके ले जाना चाह रहा हूँ एग्जाम्पल इमेज में, तो ये डायरेक्टली आपके वाइट बोर्ड पे ले जाना है मुझे, कैप्चर करूँगा मैं और ये प्रोसेस इसका बताने की कोशिश करेंगे, राइट। ये डायरेक्टली वाइट बोर्ड पे ले सकते हैं, ये देखिए, और इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल मुझे 4 पार्ट में 3 इमेज में समझाना है, इमेज नंबर 1 में मैंने लीफ के बारे में समझाया, इमेज नंबर 2 में मैंने इसके बारे में समझाया, इमेज नंबर 3। तो इस तरीके से आप गूगल से अपना डेटा इसमें ला सकते हैं और चीज़ों को और आसान बना सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें टाइम आपका बहुत ही कम कंज्यूम होता है, ये एक बेस्ट पार्ट है। अभी हम बात कर रहे हैं, कभी कभी हमें क्या होता है कि किसी एनिमेटेड वीडियो पे, रनिंग वीडियो पे लिखना होता है, तो इस पे आप वो भी कर सकते हैं, मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि हम लोग जाते हैं अभी YouTube पे, कोई वीडियो चल रहा है एनिमेशन, ठीक है, तो आप इस पे भी, रनिंग वीडियो पे भी आप राइट कर सकते हैं। जैसे ये वीडियो चल रहा है, राइट, ये देखिए, ये रनिंग वीडियो में आप राइट कर सकते हैं, ये देखिए, आप इसको फिर से इरेज करके किसी टॉपिक पे बताना है, ये अलग अलग चीजों में राइट कर सकते हैं, तो ये आपके लिए काफी यूजफुल है। अब मैं बात कर रहा हूं, ये पैनल जो है मैक्स प्रो, ये हिंदी लैंग्वेज भी सपोर्ट करता है, अलग अलग वेरिएंस में होता है कि हमारे बहुत लोग बोलते हैं कि इसमें हिंदी लैंग्वेज नहीं है, तो मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल लाइव करके। ये देखिए, मैं सेटिंग पे आया, लैंग्वेज पे आया और यहाँ पे अभी सिलेक्ट है इंग्लिश, ये देखिए, भूटानी फूटानी सब तो है ही, नेपाली ये सब तो मैं जानता ही हूँ, मुझे आपको दिखाना है हिंदी, तो आपको हिंदी करके दिखाऊंगा। और जो एप्लीकेशन के नाम है, और इवन यहाँ देखिए, नेपाली पंजाबी पता नहीं क्या क्या लिखा है, मराठी हिंदी, ये है हिंदी। अब ये आप अपना हो गया हिंदी, होम पे चला जाता हूँ, ये देख सकते हैं वेलकम पेज आ गया, ये सब कैमरा आ गया, कैलकुलेटर आ गया, ये कितना मज़ेदार जगह है। अब मैं सीधा जाऊंगा, इसको समझाने का एक बेस्ट तरीका है मेरे को, गूगल पे चला जाता हूं, यहां पे आपको समझ में आएगा गूगल पे, क्योंकि हम लोग जब सर्च करते हैं तो वो हिंदी वाले, देखिए प्रकाश संश्लेषण, ये हिंदी वाले ले रहा है, ठीक है, तो यानी कि फुली सपोर्ट करता है आपका हिंदी लैंग्वेज को, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसका जो बेस्ट पार्ट है वो है इसका साउंड क्वालिटी। साउंड क्वालिटी आप देख सकते हैं, अभी मैंने एक सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ, ये देखिए, और ये इतने नॉर्मली, ये बिल्कुल जीरो में, अदर पैनल में, अदर सलमान भाई भी ने दिखाई, ये प्रमोशन वीडियो नहीं है, लेकिन ये मुझे साउंड के लिए बताना पड़ रहा है, बहुत बढ़िया साउंड क्वालिटी है, ठीक है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं, इसका एक शॉर्टकट टूल है। अब बात करते हैं प्ले स्टोर की, प्ले स्टोर अपने आप में ही एक महाभारत है, इसके बारे में आपको आकाश सर बताएंगे स्पेशली।